देखिए आज तो डरता नहीं कोई रिक्शे वाला, किस करता हूँ, मेरे अंदर चमचागिरी की आदत नहीं है, मेरे अंदर जो बात मुझे देखे मुझे दबाव डाल के कोई पैसा कमाना नहीं है। शहर के अंदर कोई बुरी चीज़ होगी तो मेरा उसका विरोध रहेगा, वो भले मेरी पार्टी हो या मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। मैं साहब के ऊपर पिछले 2 साल से आरोप लगा रहा हूँ और लगाते रहूँगा। मैं डरने उड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। लोग प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो जितेंद्र अवार्ड और सईद अली को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कब्रिस्तान का मुद्दा सियासत का अड्डा बन चुका है, जिसको लेकर मुंब्रा के शहरवासियों के जवान पर हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है कि कब्रिस्तान कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको लेकर मुंब्रावासी हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ये NCP के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सैयद अली भाई साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है कब्रिस्तान के मुद्दे पर, वो क्या कहना चाहेंगे मुंब्रा वासियों के लिए। सर, आप कब्रिस्तान का जो मुद्दा है इसके लिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कब्रिस्तान का देखिए, एक कब्रिस्तान का काम चालू है, वो ऑलरेडी बनाया जा रहा है। दूसरा, UD के अंदर कुछ लोगों ने डिमांड किया है कि जो पुराने कब्रिस्तान की जगह थी वो हमको दी जाए, तो उसके लिए कोर्ट में पिटीशन भी है, वो भी लड़ा जा रहा है। लोगों की डिमांड है कि वो मुमरा के लिए होना चाहिए। ये कब्रिस्तान थोड़ा दूर हो गया है, कौसा की तरफ चला गया है, तो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान की तो ज़रूरत है और कब्रिस्तान एक मुद्दा बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें हमसे थोड़ी देरी भी हुई, थोड़ी सच्चाई बोलना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी गलतियाँ हुई, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक नहीं हम दो। कब्रिस्तान का जो मुद्दा है ये आपके पिताजी भी लेकर चल रहे थे, इसी मुद्दे को आप लोग भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर आप लोग बहुत पीछे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि मुमरा के कब्रिस्तान का इशू सबसे पहले मेरे वालिद हज़रत मुसन्ना मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया था। उसके बाद हमारे भाई साहब मोइन मियाँ ने इस मुद्दे को उठाया और हम तो सियासत के से जो काम होता है वो सियासत के हिसाब से हम हर जगह लगे रहे। इसके बाद फिर अवार्ड साहब जीत के आए, अवार्ड साहब के सामने एक ही बात रखी गई कि भाई हमको एक कब्रिस्तान चाहिए। कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ढीला ढीली आला हवेली और इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया। सीरियस ना लेने की वजह से फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि जगह चेंज हो गई, रिजर्वेशन कुछ चेंज किया गया, जिसकी वजह से ये मुद्दा बन गया। क्योंकि ये सच्चाई है कि कब्रिस्तान की ज़रूरत मुमरा को है। कौसा के अंदर एक छोटा कब्रिस्तान है, रशीद कंपाउंड के पास दूसरा एक कब्रिस्तान, खाजगी कब्रिस्तान, वो भी हमारे भाई साहब मोइन मियाँ के मुरीदीन लोग ने लिया था। उसके अंदर भी टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था, इसकी वजह से वो लेट हो गया, लेकिन वो एक आध महीने डेढ़ महीने के अंदर वो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा कौसा का। अब सवाल बचता है मुमरा का, मुमरा का ये काफ़ी पीछे चला गया है। लेकिन सर, बात ये हो रही है कि आप लोग कब्रिस्तान पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? कब्रिस्तान को लेकर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, आप लोग यहाँ के जो है माने जाने हैं लोग। नहीं, हम लोगों को कब्रिस्तान के ऊपर पूरा ध्यान था, कहीं ना कहीं बीच में बाउंडिंग टूटी, बाउंडिंग जो टूटी हमारे और आमदार साहब के बीच की, उसका ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं सही मशवरा देने वाले लोग नहीं थे और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई उसमें। सर, अगर आप लोग ध्यान दिए होते तो जो कब्रिस्तान में गटर का पानी आ रहा था वो नहीं आता ना। देखिए, ऐसा है कि उसमें जो है, मैं आपको एकदम साफ बताता हूँ, उसमें कोई ना आमदार की कोई गलती है ना मेरी कोई गलती है। उसमें ये था कि अजीज़ ने उस इशू को उठाया, वहाँ से नगर सेवक है, उसने उठाया। उसमें सबसे बड़ी गलती हुई, जो रोड जो बनाया जा रहा है MM वैली तक का रोड, वो कॉन्ट्रेक्टर ने उसके ऊपर स्लैब डालने के हिसाब से उसने वो पानी का डाइवर्जन दूसरी तरफ कर दिया और वहाँ पे RCC वॉल का काम कब्रिस्तान का हुआ नहीं था, जो आज के दिन में कम्प्लीट हो चुका है। तो उसकी वजह से पानी धीरे 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 रिश्ते कब्रिस्तान की तरफ चला गया और वो मट्टी ख़राब हो गई, जिसके ऊपर इश्यू भी बना, लेकिन वो मट्टी भी निकाल दी गई है। तो सर, जो कब्रिस्तान दी जा रही है उस कब्रिस्तान को लेकर मोइन मियाँ और आप क्या राजी हो उस वो कब्रिस्तान लेने के लिए? देखिए, हम तो ऐसा है कि हमको अभी 5 कब्रिस्तान और मिले तो हम राजी हैं। सवाल ये उठता है, मोइन मियाँ की बात है, वो मोइन मियाँ से आप पूछिए, मेरी अपनी लेकिन बात वो है। गर्ल हॉस्टल की जमीन है वो दी जा रही है ना। हाँ, अब ये चीज़ है कि उसका रिजर्वेशन जो है वो ऐसा बताया जाता है कि गर्ल्स हॉस्टल का था और स्लॉटर हाउस का था, तो उस जगह पे कब्रिस्तान को दिया गया, लेकिन कब्रिस्तान का जो है UD का जो परमिशन है वो इधर इस तरफ का है, शिवसेना शाखा के पीछे है। तो अभी उसके अंदर तो लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर वो सही होगा तो कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा, जो मसला चल रहा है।
लेकिन फिलहाल जो वो कब्रिस्तान है उसको तो हमको यूज़ में लाना ही पड़ेगा यहाँ की आवाम के भलाई के हिसाब से। सर, कहा जा रहा है कि आप बार बार नाराज हो रहे हैं, तो क्या आप जितेंद्र आवाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए नाराज हो रहे हैं क्या? देखिए, आज तो डरता नहीं कोई रिक्शे वाला किसी से, डराने की बात नहीं है, वसूल की बात है। मैं वसूल की बात करता हूँ, मेरे अंदर चमचागिरी की आदत नहीं है, मेरे अंदर जो बात है, जितेंद्र अवार्ड हमारे नेता हैं, वो हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो अगर मैं उनका भाई हूँ और दोस्त हूँ तो मैं आँख खोलने का काम करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद कुछ नहीं है। मेरा मकसद ये था, इस शहर को 35 साल मैंने खिदमत किया, इस शहर की 30 से 32 साल दिन रात एक करके, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, जब इस शहर में पुलिस स्टेशन में जाने के लिए लोग पैर से कांपते थे, तो जो बात रहती मैं साफ साफ कहता हूँ। तो हो सकता है कि मेरे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी लोग पैदा करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी को बुरा भी लगता हो कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा बात करता है, लेकिन शहर की हर अच्छी और बुरी चीज़ के लिए मैं टोकूंगा, बोलूँगा उसको, चाहे जो जिस नज़रिए से देखे कि मैं दबाव डालता हूँ या मुझे देखे। मुझे दबाव डाल के कोई पैसा कमाना नहीं है, ना मुझे कोई कॉन्ट्रैक्टर बनना है, ना मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश है। अल्लाह ने जितनी ख्वाहिश थी, जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है, जो आपके विधायक हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है, शिवसेना पार्टी के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन जो है बेच दी है। देखिए, ऐसा है कि ये शायद सुधीर भगत जी ने लगाया है, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। अब उनका नज़रिया अपना अलग है, लोगों का तरह तरह का नज़रिया है, लेकिन ज़मीन बेचने की बात मेरे समझ के परे है और मैं नहीं समझ पाता कि ज़मीन बेची गई। हाँ, गलतियाँ हुई है, ये मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं इधर से उधर हुआ, कहीं ना कहीं ये हुआ, कमिश्नर ने क्या किया, क्या हुआ, उस बीच में ये चीज़ हुई कि मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कहीं ना कहीं शायद कॉन्फिडेंस में किस लिए नहीं लिया गया ये मुझे आज तक उन्होंने बताया नहीं और मैंने उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं शहर की अच्छी चीज़ के लिए खड़ा हूँ। शहर के अंदर कोई बुरी चीज़ होगी तो मेरा उसका विरोध रहेगा, वो भले मेरी पार्टी हो या मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन मैं उस चीज़ को बोलूँगा जो सच है वो बोलूँगा। सर, लेकिन आप शहर के जिम्मेदार लोग आपको जिम्मेदार मानते हैं, तो आप कब्रिस्तान के मुद्दे पर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा है, देखिए, कब्रिस्तान के मसले पर जब कभी बात हुई तो हम खुल के ही आए और खुल के ही लड़ाई लड़े और खुल के ही बोले। इसके बीच में मेरे और विधायक जी के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई कि सईद अली पार्टी में रह के पार्टी लाइन के बाहर बात करता है, लेकिन कब्रिस्तान की बात है तो पार्टी लाइन और कोई भी लाइन नहीं चलती है, उसमें बात करना पड़ता है और मैं बात करता हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ती है बोलता हूँ और जहाँ अच्छी बात रहती है वहाँ कहता हूँ और विधायक जी को भी समझाता हूँ, मेरे आमदार को, कि भैया देखिए ये चीज़ है, ये है। अब ये है कि कोई मेरी बात को कहाँ तक सीरियस लेता है, या मुमरा के उन्हीं लोग में गिन दिया जाता है जो चल रहा है मुमरा में। आप देख रहे हैं कि हर आदमी डरा सहमा से रहता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचता है, अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान सोच के आदमी कहीं ना कहीं पीछे हटता है। NCP के नगर सेवक हैं, वो लोग कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? देखिए, ऐसा आवाज़ तो उठाया है, अजीज़ ने उठाया है, सारे लोगों ने, मतलब उठाने की जितनी ताकत थी इसमें सबसे ज़्यादा अजीज़ ने उठाया कब्रिस्तान। लेकिन अजीज़ भाई ने उठाया है, लेकिन उनका NCP के और नगर सेवक ने घेराव भी तो किया उनका सच दिखाने के लिए। ऐसा है कि देखिए, सियासत है, थोड़ा बहुत तो सियासत होती है, कहीं ना कहीं जब कोई एक आदमी ऐसा बोलता है तो वो होता है, लेकिन महानगर पालिका के अंदर जिस तरीके से हमारे मुमरा के नगर सेवक को कब्रिस्तान के विषय पर बात करनी चाहिए थी, उस तरीके से बात नहीं कर पाए वो लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि वो नगर सेवक लोग, देखिए नगर सेवक बेचारा अपने वार्ड में काम करना चाहता है, तो ये कमिश्नर साहब तो ऐसे है कि अगर जरा से कोई नगर सेवक टेढ़ा बोला कि उसकी निधि उधि हो जाएगी बंद, है ना, तो कहीं ना कहीं नगर सेवक, आप कह रहे हैं कि जो भी नगर सेवक है वो कमिश्नर संजीव जायसवाल जो हैं उनके डर में काम कर रहे हैं मुमरा में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि हमारे नगर सेवक नहीं, हर पार्टी के नगर सेवक कहीं ना कहीं कमिश्नर से डरते हैं कि कमिश्नर साहब अपना ये कर देंगे, वो कर देंगे, केस दाखिल हो जाएगा, कहीं पता नहीं कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, निधि नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जब वो वार्ड में नगर सेवक है वो परेशान होगा, जनता परेशान करेगी, तो उस बेचारा वो नगर सेवक क्या करेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को सेटलमेंट में रखता है कि भाई कमिश्नर साहब नमस्कार, नमस्कार कर दो, फूल दे दो,
कमिश्नर साहब खुश रहे तो कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से महानगर पालिका के अंदर हमारे सारे लोगों को बोलना चाहिए था, उस तरीके से कहीं ना कहीं दबाव हो जाता है, इसके लिए नहीं बोल पाते वो लोग। जितेंद्र आवाज साहब ने फेसबुक लाइव करके कहा था कि हम जो है 107 की जमीन जो कब्रस्तान के लिए, वो ज़मीन हम 8 दिन में दे देंगे, इसके बारे में आपने उनसे कुछ बात की कि 8 दिन के अंदर क्यों नहीं दी है ज़मीन? मेरी ये सब उनसे बातें नहीं हुई, उन्होंने मुझसे बात नहीं किया तो मैंने भी उनसे बात नहीं किया। उन्होंने फेसबुक लाइव पे दिया, ये मुझे भी मालूम है, मैंने भी देखा, लेकिन उन्होंने कोशिश एक किया था कि ये चीज़ का सट आउट हो जाए। एक बार और पहले भी कर चुके थे जब उन्होंने लाइव आकर कहा था 1 महीने में दिया जाएगा, ऐसा है ये दूसरा मरतबा। कब्रस्तान जो है 6 साल से चल रहा है, चूहा बिल्ली का खेल, ना जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कि मैं क्यों नहीं रहता था उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, उसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। सिस्टम ने भी सीरियस नहीं लिया, इसके पहले गुप्ता कमिश्नर थे उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने बोला था कि जब यहाँ से वलमाएदीन तमाम शहर के लोगों का डेलीगेशन गया था, इवन हमारे भाई साहब भी उसमें थे, शहर के गांव के सारे लोग थे, बड़े बुजुर्ग वलमा पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उसमें मौजूद थे, लेकिन उस कमिश्नर ने भी खेल खेला हमारे साथ, और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये कमिश्नर भी खेल खेल रहा है। यानी आप कमिश्नर पर भी आरोप लगा रहे हैं, कमिश्नर खेल खेल रहा है? कमिश्नर साहब के ऊपर पिछले 2 साल से आरोप लगा रहा हूँ और लगाते रहूँगा। मैं डरने उड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं बात उतनी ही करूँगा। कमिश्नर साहब ने क्या किया हमारे शहर के लिए, क्या किया? 5 साल में एक मरतबा बड़ा बजट दे दे तो हम नाचने लगे, क्यों? टैक्स हम नहीं भरते, थाना के लोग खाली टैक्स भरते हैं, कलवा के लोग टैक्स भरते हैं, घोड़बंदर के लोग टैक्स भरते हैं, और थाना सिटी के लोग टैक्स भरते हैं, मुमरा के लोग बगैर टैक्स दिए रहते हैं क्या शहर के अंदर? अभी जो कब्रस्तान का मुद्दा है तो इसमें कमिश्नर की क्या भागीदारी है इसमें? कमिश्नर भी घोषणाबाजी कर रहे हैं, प्रेशर बना है तो ये सब काम चालू है, वरना घोषणाबाजी। आप कह रहे हैं कि जो है विधायक का दबाव है क्या कमिश्नर के ऊपर? बिल्कुल दबाव है, विधायक को चुनाव लड़ना है इस साल तक, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ़ जो हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं वो तो इसको मुद्दा बनाएंगी। हम किसी को तो चुप, आज के दौर में किसी को आप चुप नहीं रख सकते, सोशल मीडिया है, तरह तरह की बातें लोग करते हैं, हमारे ऊपर भी कमेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं छोड़ते, मुझे भी छोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं विधायक के दबाव में भाई साहब बोलते नहीं हैं, भाई साहब सड़क पर नहीं उतरते, अभी आपने ही ना सवाल किया, तो ऐसा है कि सड़क पर उतर के मैं माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। आप कब्रस्तान की बात करें तो कब्रस्तान में जो यूडी ने दी है कब्रस्तान की ज़मीन, उस कब्रस्तान को लेने के लिए आप आवाड साहब से कहेंगे कि वो कब्रस्तान मुमरा वासियों को दी जाए? आवाड साहब ने बिल्कुल साफ, एक डेलीगेशन उनके पास गया था जो हमारे मुमरा का था, आरिफ लद्दा एंड समथिंग लोग गए थे, मुमरा के जो जूने लोग हैं वो लोग गए थे, उनको आवाड साहब ने ये बात कहा कि आप अपना मुकदमा जो आपने पिटीशन दायर किया उसके ऊपर आप लड़िए, और वो भी कब्रस्तान मिलता तो मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो जब ये बात उन्होंने कह दिया तो अब उसके ऊपर बात करना बेकार है। कि आवाड सर कह रहे हैं आप कि जो है आप कोर्ट में लड़िए, अगर कब्रस्तान मिलता है तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ शिवसेना तो आरोप लगा रही है कि आवाड वो कब्रस्तान लेना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शिवसेना ने कर दिया तो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, उनके बेटे यहाँ से MP भी हैं और सरकार में भी हैं, तो एक काम करें ना, वो दे दें, हम उनका इस्तकबाल करेंगे ना। अगर वो हमको दे देते हैं यूडी वाली जगह को तो सबसे पहले सईद अली अशरफ नकली वलमा नहीं, ये नकली मौलाना नहीं, असली आलिमों के साथ, इस शहर के जो बावकार आलिम हैं उनके साथ मैं खुद चल के एकनाथ शिंदे जी का स्वागत करूँगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां जो है फिर राजनीति कर रही हैं कब्रस्तान के मुद्दे को लेकर। मैंने कहा ना कि अगर शिवसेना ये कह रही है, यानी मुमरा वासियों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कोई लेटर विधायक का मेरे नॉलेज में उस जगह के लिए जो यूडी का है, मेरे नॉलेज में विधायक का ऐसा कोई लेटर उसके पास नहीं कि ये कब्रस्तान ना दिया जाए, ऐसा कोई लेटर नहीं है। लेकिन सुधीर भगत ने तो मेरे ही इंटरव्यू में कहा है कि आवाज ने जो है लेटर दिया हुआ है कि हमें ये कब्रस्तान नहीं चाहिए। बोल देना, मैंने कहा ना कि एकनाथ शिंदे जी कब्रस्तान दे दें, मैं इस शहर के बावकार वलमाओं के साथ, इस शहर की अच्छी पर्सनालिटी के साथ मैं खुद एकनाथ शिंदे जी का स्वागत करूँगा।
सर, लास्ट सवाल आपसे, आप मुमरा वासियों को कब्रिस्तान दिलाने के लिए कौन सी कब्रिस्तान दिलाना पसंद करेंगे, जो जहां गंदा नाला बह रहा है वो, या जो यूडी ने मंजूर किया है वो? देखिए ऐसा है कि जहां नाला गंदा बह रहा था तब बह रहा था, अब नहीं, अब वो सही तरीके से आरसीसी वॉल हो गई है, एक चीज़। दूसरी, हम कब्रिस्तान एक नहीं इंशाल्लाह ताला दो कब्रिस्तान लेंगे, एक मुमरा के लिए भी लेंगे, वो भी लेंगे, गर्ल्स हॉस्टल भी लेंगे और स्लाटर हाउस भी लेंगे, क्योंकि ये हमारे शहर का मुद्दा है और इस शहर के मुद्दे के ऊपर जो काम करेगा कहीं ना कहीं वो शहर में इज्जत पाएगा फिर, वरना कहीं ना कहीं शहर के लोग ये बात कहेंगे कि हम झूठ बोलते हैं, हम दोगलापन करते हैं, हम जो वादा करते हैं उससे मुकर जाते हैं, इस तरीके की बात फिर हमको कही जाएगी। लोग प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जितेंद्र अवार्ड और सईद अली को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये थे सैयद अली भाई साहब, जिन्होंने बताया कि जो है मुमरा में जो कब्रिस्तान का मुद्दा है उसको लेकर हम आगे भी अपना जो है काम जारी रखेंगे, मुमरा वासियों को कब्रिस्तान दिला कर रहेंगे, जो यूडी ने कब्रिस्तान दिया है वो कब्रिस्तान भी दिलाया जाएगा और जो एमएमवली में कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान भी दिलाया जाएगा। इनका साफ कहना है कि मुमरा में अगर 10 से 12 कब्रिस्तान दिलाया जाए तब भी हम लेने को तैयार हैं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।